नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आज सुप्रीमो लालू प्रसाद ने बड़ा फैसला लिया है। अपने बेहद करीबी लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। हम आपको खबर बताने जा रहे हैं बिहार विधान परिषद की। बिहार विधान परिषद के मुख्य सचेतक के रूप में संजय कुमार सिंह उर्फ संजय गांधी, जो कि JDU के MLC हैं, नीतीश कुमार के आँख और कान कहे जाते हैं, उन्हें मुख्य सचेतक बनाया गया है। वहीं लालू प्रसाद ने भी बड़ा फैसला लिया है। लालू परिवार के बेहद करीबी RJD के MLC सुनील सिंह को उप मुख्य सचेतक बनाया गया है बिहार विधान परिषद में। वहीं सचेतक के रूप में नीरज कुमार और रीना यादव को जगह दी गई है। देखिए, हम बात कर रहे हैं जब जिम्मेदारियों की, तो नीतीश कुमार के आँख और कान कहे जाते हैं संजय गांधी। बिहार विधान परिषद और सभा में क्या कुछ चल रहा है, भीतर खेमे में क्या राजनीति चल रही है, उन तमाम बातों की जानकारी संजय गांधी नीतीश कुमार तक पहुंचाया करते हैं और उन्हें मुख्य सचेतक बनाया गया है बिहार विधान परिषद में। चिट्ठी भी निकल गई जो आपको दिखा भी रहे होंगे। अब ऐसे में बात करते हैं हम सुनील सिंह की। देखिए, हाल ही में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो ये काफ़ी चर्चा थी कि सुनील सिंह का मंत्री बनना लगभग लगभग तय है, लेकिन सुनील सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया। RJD के MLC हैं, जब विपक्ष में थे तो अपने सवालों से, अपनी बातों से सत्ता पक्ष के होश उड़ाए रहते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई। सुनील सिंह सत्ता पक्ष में आ चुके हैं और उन्हें उप मुख्य सचेतक बनाया गया है। सुनील सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लालू प्रसाद को, तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें, लगभग 90 देशों का दौरा कर चुके हैं सुनील सिंह, जो जानकारी निकल के आती है उनके बारे में। कई सारे देश विदेश वो घूमते रहते हैं और मौजूदा समय में भी वह कनाडा में है। कनाडा में NAFED की ओर से आयोजित एक बड़ी मीटिंग में वो शिरकत करने गए थे और इस बात की जानकारी उन्हें वहीं मिली। देखिए, सुनील सिंह को लेकर के काफ़ी सारी चर्चाएं हैं, कई देशों का भ्रमण कर चुके हैं। हाल ही में सुनील सिंह के घर पर CBI की छापेमारी हुई थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि ये सुनील सिंह को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये तेजस्वी यादव को फंसाने की साजिश है, तेजस्वी यादव को टारगेट किया जा रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र किया था, छज्जे पर आकर के चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे उस दौरान जब CBI उनके घर में छापेमारी कर रही थी, CBI की टीम उनके घर में छापेमारी कर रही थी। और अब सुनील सिंह पर भी भरोसा जताया है। लालू प्रसाद ने मंत्री तो नहीं बनाया गया, जिस कारण से काफ़ी सारे लोगों में निराशा थी जब कैबिनेट का विस्तार हुआ था बिहार विधान सभा के कार्रवाई के पहले ही, जब फ्लोर टेस्टिंग हुई थी उससे पहले ही जब मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ, उस दौरान सुनील सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया, जिस कारण से लोगों में मायूसी थी। लेकिन अब सुनील सिंह को उप मुख्य सचेतक बनाया गया है। साथ ही साथ नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने बेहद करीबी संजय गांधी को अब मुख्य सचेतक बना दिया है बिहार विधान परिषद में। वहीं सचेतक के पद पर नीरज कुमार, जो कि मुख्य प्रवक्ता है, JDU के MLC हैं, इसके साथ साथ JDU के MLC हैं रीना यादव, उन्हें भी सचेतक बनाया गया है। तो बहरहाल, नीतीश कुमार ने एक तरफ जहां अपने संजय गांधी पर भरोसा किया है, उनके आँख और कान कहे जाने वाले संजय गांधी पर, जो उनकी अनुपस्थिति में भी वो उपस्थित रहते हैं, अगर संजय गांधी मौजूद है समझिए नीतीश कुमार भी एक तरह से वहीं मौजूद है। वहीं सुनील सिंह, जो कि लाख प्रयत्न करने के बाद भी झुक रहे हैं, बुलंद होकर बोल रहे हैं, लालू परिवार के काफ़ी बेहद खास हैं और RJD का झंडा हाथों से उनके छूटता नहीं है, उन्हें भी उप मुख्य सचेतक बनाया गया है। क्या कुछ बातें सामने निकल के हमने आपको बताया है। इससे पहले बिहार विधानसभा में भी मुख्य सचेतक के पद पर सत्तारूढ़ दल की ओर से मुख्य सचेतक के पद पर श्रवण कुमार को जगह दी गई थी, जो कि नीतीश कुमार के बेहद खास हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। वहीं उप मुख्य सचेतक जो है वो अख्तरुल इस्लाम शाहीन को बनाया गया था, जो कि बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, समस्तीपुर से जीत के आते हैं। और अब विधान परिषद में भी तय हो चुका है जिम्मेदारियां किसे दी हैं। नीतीश कुमार ने अपने संजय गांधी को जिम्मेदारी दी, लालू प्रसाद की ओर से सुनील सिंह को जिम्मेदारी दी गई। तो आप समझ सकते हैं, अब चारों ओर से जो ये गठबंधन बना है उसका समीकरण पूरा फिट बैठ रहा है, समझौता पूरी तरह से हो चुका है और चिट्ठी भी निकल चुकी है, तो सूचना जारी हो चुकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।